Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today our topic of discussion is ribosomes. Ribosomes jo hain wo cell ke andar tiny structures hain, granular structures, theek hai, attached form mein bhi hote hain aur cytoplasm mein dispersed bhi hote hain. Ab hum inke intro se start karte hain. Sabse pehle inko 1955 mein Palladio ne study kiya tha. ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रैन्यूलर होता है, टाइनी ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, मतलब छोटे छोटे दानेदार सा स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है. अब इनके हम कंपोजिशन देखें कि ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है. यूक्रियोटिक राइबोसोम होता है और प्रोक्रियोटिक राइबोसोम होते हैं. प्रोक्रियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूक्रियोटिक जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है. तो जो यूक्रियोटिक सेल है उसमें आरएनए और प्रोटीन की जो अमाउंट है वो सेम होती है या नियरली इक्वल होती है. हैंस दे आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. तो इनको हम क्या कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के, मतलब प्रोटीन, राइबो मींस आरएनए, राइबो न्यूक्लियो आरएनए और प्रोटीन पार्टिकल्स. आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. जब हमने आरएनए का टॉपिक डिस्कस किया था उस टाइम हमने थ्री टाइप्स देखी थी आरएनए की. तो उनमें से एक टाइप है राइबोसोमल आरएनए जो कि एसोसिएटेड होती है राइबोसोम्स के साथ. ठीक है, ये प्रोटीन बनाने की जगह प्रोवाइड करती है. अब हम देखते हैं कि इसके एग्जिस्टेंस कैसी, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो या तो ये हमें साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जगह जगह दाने से बिखरे हुए हैं, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम पढ़ चुके हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, उसके ऊपर वो उसमें फ़र्क ही ये था एससीआर और आरईआर में कि जो आरईआर है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. अब हम देखेंगे राइबोसोम का स्ट्रक्चर के किस किस्म का होता है. ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक जो सब यूनिट है वो लार्जर होता है और दूसरा जो है स्मॉलर. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लार्जर एक सब यूनिट है और एक है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट. जो लार्जर सब यूनिट है वो 60 स्वेडबर्ग का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40 स्वेडबर्ग का होता है. स्वेडबर्ग क्या होता है, ये है एक यूनिट है जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होता है. ठीक है, यूक्रियोटिक राइबोसोम का ये है ATS, और इन दोनों में डिफरेंस ही ये होता है, मतलब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक. इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. अब हम देखेंगे कि ये दोनों यूनिट जब मिलते हैं तो मिलकर ये 80 स्वेडबर्ग का एक लार्जर यूनिट बना देते हैं. जो इन यूनिट्स की अटैचमेंट है वो मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, मतलब ये राइबोसोमल सब यूनिट्स के जरिए ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं. जो दरमियान में हमें नज़र आ रहा है ये है मैसेंजर आरएनए और ये राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं. राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए के ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीसोम. पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर पॉलीसोम, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. तो हम फिर बताएंगे कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जब आपस में अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसोम, उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीसोम. न्यू राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं. अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन जहाँ पर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं वहाँ पर राइबोसोम बनता है. इसलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहते हैं. जब ये वहाँ पे बन जाता है उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर भेज दिया जाता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, ठीक है. और जो प्रोटीन्स की फैक्ट्री है उसको हम कहते हैं राइबोसोम, मतलब राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बन रही है तो उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. और जो है राइबोसोम उनकी फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस. यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. ये 4 मार्क्स का पार्ट आ जाता है पेपर्स में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अपनी राय देना चाहें तो उससे मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करें. आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.